हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवीएसएस, योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, एक कॉमन सी एडवाइस है फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट, दोज हु आर गोइंग टू प्रिपेयर इंडियन नीट पीजी एग्जामिनेशन 2021। वी नो कि लाइक अभी लेटेस्टली ऑल इंडिया कोटा के अंदर छोटा सा रिजर्वेशन का चेंज किया गया है, जिसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को इंट्रोड्यूस किया गया है। सो वाइल एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द नीट, आप लोगों को पता था कि ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, तो स्टूडेंट अपने कंफर्ट मोड के अकॉर्डिंग ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। बिकॉज जब हम स्टेट काउंसलिंग का फॉर्म फिल करेंगे, तब हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि आई हैव टू शो माई कैटेगरीज ओवर देयर। इफ आई वॉन्ट टू यूज़ ओबीसी तो वहाँ पर ओबीसी लगाएं, आई वॉन्ट टू यूज़ ईडब्ल्यूएस तो हम वहाँ पर ईडब्ल्यूएस को मैंशन करें। इफ़ आई वॉन्ट टू गो थ्रू द जनरल इन द माई स्टेट, अपनी कंडीशंस को देखते हुए, तो हम वहाँ पे एडिट का ऑप्शन रहता है। बट ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में वही डेटा लिया जाता है जो हमने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया गया है। सो वी नो कि लाइक नीट का एग्जामिनेशन इज ऑन 11th ऑफ सेप्टेम्बर फॉर द पीजी डिपार्टमेंट, और यूजी डिपार्टमेंट का 12th ऑफ सेप्टेम्बर को है। तो यूजी डिपार्टमेंट में अभी करेक्शन विंडो का ऑप्शन अभी खोलना बाकी है फ्रॉम 8th टू 12th ऑफ ऑगस्ट। सो पीजी वाले स्टूडेंट्स में, दोज हु वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस कोटास, दोज हु वांट टू चेंज देयर कैटेगरीज फ्रॉम जनरल टू ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो आपके लिए भी ये ऑप्शन होना चाहिए। बिकॉज योर एप्लीकेशन फॉर्म डेट इज डन, अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो आपका एडमिट कार्ड ही आना है, बट उसी के बीच में ये चेंजेस हुआ है। सो ऐसे जो स्टूडेंट, दोज हु वांट टू चेंज देयर कैटेगरीज, आप सभी से एडवाइस है कि आप इसके लिए यू जस्ट राइट अ ईमेल टू NBE, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड MCC। बिकॉज ये देखा गया है इन द लास्ट ऑफ मेनी ऑफ काउंसलिंग, जैसे हम लोग काउंसलिंग करते हैं, कि द पर्सन सिटिंग इन द MCC और NBE और NTA आर वेरी कोऑपरेटिव। तो जब जब स्टूडेंट ने एक अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट करी है, लास्ट ईयर भी DNB में काफ़ी चेंजेस हुए थे बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट डन बाय द स्टूडेंट्स, तो इस बार भी इफ़ यू वॉन्ट कि फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड की आपको करेक्शन विंडो के लिए 2-3 दिन का टाइम मिलना चाहिए, जहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो भी स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट है, डिस्कस करने से बेटर ये रहेगा कि इफ़ यू विल राइट अ मेल टू द कंसर्न अथॉरिटी टू NBE, दे विल डेफिनेटली रिवर्ट ऑन इट। फाइन, सो इट इज़ एडवाइस टू ऑल द स्पेंड, दोज हु आर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स ऑन द डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स, इट इज़ बेटर टू राइट अ एप्लीकेशन और मेल to the concerned authorities, to the NBE officials, that you guys want to some edit in your application form, so that you can take the benefit of this reservation system which has been latestly done by the Indian government, friends. So this is all for today, friends. Thank you so much. All the very best for your PG examination, friends. Thank you.